मुख्यालय पर सहकारी खाद्य केंद्र वाले गरीब ग्रामीणों को महंगे दामों में खाद उपलब्ध करवाकर कई समय से रुपए की लूटपाट मचा रखी थी। शासकीय मूल निर्धारित होने के बावजूद भी ग्रामीणों को महंगे दामों पर खाद उपलब्ध हो रही थी और भोले भाले ग्रामीणों को महंगे दामों में खाद उपलब्ध करवाकर गांधी छाप नोट छापने के मार्केटिंग वाले मद मस्त दिखाई दे रहे थे। खाद लेने के लिए दूर दराज ग्राम कस्बों फलियों से ग्रामीण मुख्यालय पहुंच रहे हैं और उन्हें मूल प्राइस से बढ़कर खाद उपलब्ध करवाई जा रही है। जबकि जिला मुख्यालय पर कलेक्टर के होते हुए भी वहां इस गाड़ी कमाई को छापने में बेहिचक अपने कारनामे को अंजाम देने में भी नहीं डर रहे थे। ऐसा ही एक नजारा झाबुआ इंदौर अहमदाबाद रोड कृषि उपज मंडी के पास में बने ऑफिस मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भंडारण केंद्र झाबुआ गोदाम क्रमांक 1 पर यहां देखने को मिला। जैसे इसकी भनक सांसद प्रतिनिधि को मनोज अरोरा को मिली, वैसे ही वह ऑफिस सहकारी विपणन संघ मर्यादित भंडारण केंद्र झाबुआ गोदाम क्रमांक 1 पहुंच गए। तब उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा की तो कई भ्रष्टाचार की परतें उजागर होने लगी। ग्रामीण भावल परमार निवासी ग्राम झिरावदिया ने जानकारी देते हुए बताया कि 266 रुपए प्रति बोरी खाद 270 रुपए में दी जा रही है। एक आधार कार्ड पर 6 बोरी खाद दी जा रही है, जिससे सड़े हुए 3 रुपए से प्रति लगभग पर मार्केटिंग वाले हमसे बढ़ा करके पैसे ले रहे हैं, जिसे साफ तौर पर हम गरीब लोगों को यह खाद बेचने वाली सरकारी संस्था गरीबों से लूटपाट कर रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। वहीं वेलसी भावर ग्राम बचका निवासी का आरोप है कि जो रसीद खाद के नाम से हमें दी जा रही है उस पर कहीं भी हमारा नाम अंकित नहीं है और ना ही प्रति नग का रेट लिखा जा रहा है और हमें अंधेरे में रखकर इस खाद संस्थान ने लूटपाट मचा रखी है और किस ग्राम निवासी को यह खाद दी जा रही है वह भी खाली जगह छोड़ दी जा रही है, जिससे सीधा साधे लोगों पर बड़े पैमाने पर यह खाद संस्था द्वारा भ्रष्टाचार करने में लगी हुई है। वहीं अन्य निवासी गंगा भावोर का कहना है कि हम 2 दिन से खाद लेने के लिए भटक रहे हैं। एक तो समय पर नहीं खुलता, दूसरी बात कि खाद देने वाले जब चाहे तब अपनी मनमर्जी से बंद कर संस्था को चले जाते हैं, जिससे हम परेशान हो रहे हैं। इन सब बातों को सुनते हुए सांसद प्रतिनिधि मनोज अरोड़ा ने झाबुआ SDM को अवगत कराया। वैसे ही SDM मालवी व कृषि विभाग से रावत को लेकर अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे और उन्होंने भी कई खामियाएं नजर आई, जिसे उन्होंने तत्काल खाद्य भंडारण केंद्र पर मौजूद अकाउंटेंट ऑपरेटर व विपणन कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी। वहीं शोकस नोटिस जारी करके बाद भी कृषि विभाग से आए रावत को नोटिस खाद्य केंद्र वालों को जारी करने के निर्देश दिए। केंद्र पर खाद लेने पहुंचे ग्रामीणों ने सांसद प्रतिनिधि मनोज अरोड़ा का इस कार्य के लिए सराहना की। साथ में सांसद प्रतिनिधि मनोज अरोड़ा का कहना है कि सरकार हमेशा गरीबों की मदद के लिए तत्पर रही है, लेकिन यह बिचौली है जो अपनी जेब को गर्म करने में लगे रहते हैं, जिससे कि भ्रष्ट लोगों के कारण बदनामी होती है, जबकि सरकार ईमानदारी से अपना कार्य कर रही है। जी, आपका नाम? वेलसी। कहाँ से आए थे? बचका से। कितना आपको विलम्ब हो रहा है यहाँ? 11 बजे से आया सर, लाइन में अभी मतलब कोई मिल नहीं रखा था, हम भी मतलब पानी 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 पी रहे, पानी नहीं मिल रहा, कहाँ से यहाँ लाइन फिर टूट जाएगी, दूसरे आ जाएंगे। और क्या मतलब क्या कर रहे हैं यार, क्या कंप्यूटर चला रहे हैं सर, हम मतलब थक गया, ज़्यादा लाइन नहीं है पर फिर भी मतलब 11 बजे से अभी तक खातर नहीं मिला। कितना समय हो गया आपको यहाँ? लगभग थक गया 3 घंटे यहाँ। 3 घंटे हो गए यहाँ। और आपको जानकारी है कितने रुपए में एक बोरी मिल रही है? जानकारी है मतलब 270 में मिल रही है कि अभी लिया नहीं हमने, आज आई तब मालूम पड़े। नहीं, दूसरों ने लिया होगा तो आपको बताया होगा। 270 बता रहे सर। ठीक, विपणन से जो आज खाद कृषकों को वितरण किया जा रहा है उनकी रसीदों में कृषक का नाम और अमाउंट नहीं लिखा था, इसकी जब जानकारी प्राप्त हुई मुझे तो मैं कृषि विभाग के अधिकारियों को साथ में लेकर आया हूँ, देखा और उससे संबंधित कर्मचारी से पूछताछ की, उसके द्वारा बताया गया कि भीड़ अधिक होने के कारण मैं नाम नहीं लिख पाया हूँ, पर ये गलत है। कृषक को जिसने खाद प्राप्त किया है उसको उसका नाम और खाद की कीमत और कुल राशि लिखना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त गोडाउन पर माल सप्लाई होने के बाद, खाद सप्लाई होने के बाद में रसीद कृषक को देने का प्रावधान है, जो सामान्यतः ये अपने जेब में रख लेते हैं, उनको भी समझा दिया है आज पहला मौका था इसलिए दोनों कर्मचारियों को समझा दिया है और फिर भी
संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई के लिए पंचनामा बनाएंगे और कृषि विभाग के द्वारा कार्रवाई की जाएगी और इस व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। जी आपका नाम? मुंशी वसुनिया। कहाँ से आए? कागल खोस से। क्या खाद लेने आए थे? जी सर खाद लेने। कितनी बोरी ली आपने? 6 बोरी। और कितना रुपए दिए? 1620 रुपये। एक बोरी का क्या रेट है? 270। और कब आए थे आप लेने के लिए? 8 बजे। और क्या समस्या है? और अभी तो 1:30 बज रही है, तो इतना समय कैसे क्या हो गया? सर यहाँ 11 बजे के बाद ही खुला है ये। अच्छा, हमको करीब 1-1.5 घंटा तो लाइन में लगना पड़ा, इसके बाद ही मिले खातर। तो ये कितने बजे खुलता है? कितने बजे मिलना चालू हुआ? 11 बजे बाद थी, 12 बजे के आसपास ही मिले। 11 बजे तो खुला ही नहीं था। मामला अभी संज्ञान में आया कि एडीएम साहब के पास कोई शिकायत आई है कि मार्केट में जो इनवॉइस जारी कर रहे हैं वो इनकम्प्लीट है। तो एडीएम साहब से जैसे सूचना मिली, मैं तत्काल एडीएम ऑफिस पहुँचा हूँ, साहब के साथ यहाँ आया, तो जो इनवॉइस जारी किया गया था उसमें किसी कृषक का नाम और ये जैसे साहब ने बताया वैसे अमाउंट लिखा हुआ नहीं था। तो ये जो है इसका उल्लंघन है, ये एफसीओ का उल्लंघन है सीधे सीधे। तो उसके लिए इंस्पेक्टर को यहाँ पे वो निर्धारित किया है, वो अपना निरीक्षण प्रतिवेदन बनाएगा और आवश्यक कार्रवाई करने के बाद फाइल पुटअप करेगा। इसके बाद इसके विरुद्ध जो कार्रवाई नहीं जारी करनी है डी डी साहब करेंगे। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए झाबुआ से अजय नागर की रिपोर्ट।